हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल ट्रेड पे। दोस्तों, हम लोग आज ट्रांसफार्मर का तीसरा क्लास पढ़ेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर, उसमें हम लोग दो क्लास पढ़ चुके हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुके हैं हम लोग, और दूसरा जो सेकंड क्लास था ट्रांसफार्मर के, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम लोग क्लियर क्लियर किए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर का तीसरा क्लास। ठीक है, तीसरा क्लास पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ट्रांसफार्मर के मुख्य मुख्य पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानिए आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर कोई भी लॉस, क्षति, हानि नहीं होता है, उसे आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जैसे पॉइंट लिख दिए हैं, कोई भी लॉस ना हो, इफिशियंसी जो इसका होगा वो 100% हो, आइडियल ट्रांसफार्मर उसे कहेंगे जिसमें जिसके अंदर कोई भी लॉस, क्षति ना हो और इसका इफिशियंसी 100% हो, ऐसा ट्रांसफार्मर को आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। नोट में ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, नोट में एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि अभी तक ऐसा ट्रांसफार्मर बना ही नहीं है जिसमें कोई लॉस ना हो। ठीक है, ये था आइडियल ट्रांसफार्मर की कुछ पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे आज का मुख्य मुद्दा है, मुख्य पॉइंट है ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड और नो लोड की अवस्था। ट्रांसफार्मर के ऊपर नो लोड और लोड की अवस्था के बारे में जानेंगे कि लोड की अवस्था में कौन सी लॉस होता है और नो लोड की अवस्था में कौन सा लॉस होता है, क्षति होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे नो लोड की अवस्था में। नो लोड की अवस्था में सेकेंडरी साइड कोई भी करंट नहीं होता है, ये प्राइमरी साइड जिधर से इनपुट है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है, एसी सप्लाई, इधर जिधर लोड या आउटपुट होता है सेकेंडरी साइड है कहा जाता है। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि नो लोड की अवस्था में सेकेंडरी साइड कोई भी करंट नहीं चलता है, यानी अगर लोड नहीं है इधर तो करंट इधर फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अर्थात प्राइमरी साइड में अल्प थोड़ा करंट होता है, ये जो इधर है प्राइमरी साइड, इधर थोड़ा करंट होता है जब नो लोड की अवस्था में हो। तो अब प्राइमरी साइड में थोड़ा करंट हो चलने के कारण प्राइमरी साइड के जो कोर होता है, ये जो कोर हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में कि सिलिकॉन स्टील के पतली पतली कोर लिया जाता है जिससे मैग्नेटिक बनाने में इलेक्ट्रिक जो खर्चा होता है, विद्युत खर्चा कम होता है, तो वही कोर के बारे में बोल रहा है। ये कोर दिखाई दे रहा है आपको, सिलिकॉन स्टील के है, आयरन लोहा। तो वही बोल रहा है कि जो प्राइमरी साइड के कोर कोर मैग्नेट हो जाता है, थोड़ा इसमें करंट रहेगा इधर, जो मैग्नेट बनेगा हो जाता है, अर्थात अल्प करंट होने के कारण आयरन लॉस की पूर्ति होता है, यानी आयरन लॉस की क्षति होता है। ठीक है, पूर्ति करता है या हाइड्रेसिस और एडी करंट लॉस की आपूर्ति करता है। हाइड्रेसिस और एडी करंट लॉस हम लोग पहला क्लास में देखे थे का भी आपूर्ति करता है। आयरन लॉस को जो नो लोड की अवस्था में आयरन लॉस को कॉन्स्टेंट लॉस या 24 आवर लॉस भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आयरन लॉस को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेंट लॉस। इसकी जो क्षति होती है एक निश्चित सीमा में होते रहती है, या 24 आवर इसका 24 घंटा इसके लॉस होते रहता है, तो इसे आयरन लॉस को कॉन्स्टेंट लॉस या 24 आवर लॉस कहा जाता है। पॉइंट हम लिख दिए हैं कि नो लोड, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, नो लोड वोल्टेज पर निर्भर करता है।
नो लोड वोल्टेज पर निर्भर करता है, ठीक है। और आयरन लॉस जो है, आयरन लॉस को कॉन्स्टेंट लॉस या 24 आवर लॉस भी कहा जाता है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। ये थे नो लोड के कुछ पॉइंट्स। अब जानेंगे लोड पे। लोड पे ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो लोड की अवस्था में सेकेंडरी साइड जो है, सेकेंडरी साइड I2 धारा चलती है। इधर I1 धारा चल रहा है, इधर I2 धारा चल रहा है, ठीक है। यह जो धारा है I2 180 डिग्री पे प्रभाव डालता है। यह धारा प्राइमरी साइड में 180 डिग्री पे पर प्रभाव डालता है। अतः सेकेंडरी साइड के धारा, जो सेकेंडरी साइड के धारा है I2 का प्रभाव प्राइमरी साइड पर भी पड़ेगा, यानी I1 पर भी पड़ता है, ठीक है। लोड के ऊपर कॉपर लैगिंग लॉस होता है। जब इधर लोड डालें, जब ट्रांसफार्मर में लोड रहेगा तो जो करंट I2 इधर चलेगा तो I1 यानी सेकेंडरी साइड में लोड डालेंगे तो प्राइमरी साइड में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी लोड के ऊपर कॉपर लैगिंग लॉस होता है, ठीक है। लोड के ऊपर क्या होता है? कॉपर लैगिंग लॉस होता है। कॉपर लॉस लोड पर निर्भर करता है, अर्थात कॉपर लॉस धारा पर निर्भर करता है, ठीक है। नो लोड किस पर निर्भर करता है? दो पॉइंट याद रखना है। नो लोड वोल्टेज पर निर्भर करता है, और लोड पर जो लोड है वो किस पर निर्भर करता है? करंट पे, धारा पे, ठीक है। ये पॉइंट देखिए, लोड के ऊपर कॉपर लॉस होता है, नो लोड के ऊपर क्या होता था? आयरन लॉस होता है। लोड के ऊपर कॉपर लॉस होता है, ताम्र क्षति, तांबा की क्षति होती है, कॉपर लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस होता है, और कॉपर लॉस आई करंट धारा पर निर्भर करता है। कॉपर लॉस जो है वो किस पर निर्भर करता है? धारा पर निर्भर करता है, ठीक है। ये थे नो लोड और लोड पर कुछ पॉइंट। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा हो। दोस्तों, जो अभी हम लोग जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इससे संबंधित अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप पकड़ लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगता है। अब जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के उत्पन्न वोल्टेज। ट्रांसफार्मर जो है प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड जो इधर उत्पन्न वोल्टेज होता है उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो है इसका पॉइंट वाई पॉइंट, तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है जूल। जूल सिद्धांत से विद्युत परिपथ में, जूल सिद्धांत से विद्युत परिपथ में ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में उत्पन्न ऊष्मा पैदा होता है। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में ऊष्मा पैदा होता है, किसका सिद्धांत है? जूल साहब का सिद्धांत है। जूल सिद्धांत से विद्युत परिपथ में ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में ऊष्मा पैदा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ट्रांसफार्मर में ऊष्मा पैदा होता है हीट, वो जूल सिद्धांत के नियम से होता है, आई स्क्वायर आर डी, जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। अभी ग्राफ में दिखाए हैं कि आई टू है इधर, अगर आई वन ये ग्राफ जा रहा है, इधर आई जीरो है, तो बाइंडिंग में उत्पन्न ऊष्मा का ग्राफ इस तरह दिखाएगा। कब वोल्टेज, कब करंट अधिक होगा और कब कम होगा बाइंडिंग के अनुसार, ठीक है। दोस्तों बाइंडिंग में ऊष्मा की मात्रा बाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न, तार की लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है। जो ये बाइंडिंग दिख रहा है आपको रेड रेड, वो कितना अधिक है उस पर निर्भर करता है, कितना कम है उस पर निर्भर करता है। आपको दिख रहा होगा इधर लोड के तरफ सेकेंडरी साइड में बाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न अधिक है, यानी इधर ऊष्मा अधिक पैदा होगा, इधर कम है तो इधर कम पैदा होगा, ठीक है। अर्थात छोटा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में कम ऊष्मा पैदा होगा, हीट कम होगा, और बड़ा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में
अधिक उसमें पैदा होगा। ऑटोमेटिक है, छोटा ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें जो कॉयल होगा बाइंडिंग होगा कम होगा, और बड़ा ट्रांसफार्मर होगा उसमें टर्न तार की लपेटों की संख्या अधिक होगा, यानी अधिक बाइंडिंग होगा, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न तार की लपेटों की संख्या पर निर्धारित होता है उत्पन्न। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको पकड़ने में आसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाइंडिंग में उत्पन्न ऊष्मा जो होता है, ये बाइंडिंग उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होता है कोर में जाएगा। ये जो कोर दिखाई दे रहा है आपको, कोर है ये कोर कोर दिखाई दे रहा है, सिलिकॉन स्टील जो आयरन लेते हैं उस कोर, तो ये जो यहाँ उस उत्पन्न जो ऊष्मा होगा इसमें भी समाएगा, तो इसमें जो ऊष्मा समाएगा वो यहाँ की जो ऊष्मा होगी हीट होगी, यहाँ जो हीट होगा उससे तो कम ही होगा इसमें इसमें। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि बाइंडिंग के पास जो ऊष्मा हीट होगा वो कोर में कम होगा, ठीक है, अर्थात कोर में ऊष्मा की मात्रा बाइंडिंग में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा से कम होगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि यदि बाइंडिंग ट्रांसफार्मर आयल में डूबा हो, ये बाइंडिंग है, अगर ट्रांसफार्मर पूरा रहता है ऐसे ट्रांसफार्मर है, पूरा है ट्रांसफार्मर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, इसमें अगर ट्रांसफार्मर का ऊपर दिखा रहे हैं कवर, तो ये अगर तेल में डूबा है ये बाइंडिंग ट्रांसफार्मर आयल में डूबा है, तो ऑटोमेटिक है कि उसमें बाइंडिंग से इसमें जाएगा या तेल में भी जाएगा, ट्रांसफार्मर आयल में भी जाएगा, ठीक है, जाएगा, अर्थात सबसे कम उसमें ट्रांसफार्मर आयल में होगा। तो पॉइंट ये याद रखना है कि ऊष्मा तो होगा ट्रांसफार्मर आयल में भी होगा, वो भी गर्म होगा, कोर भी हीट होगा, ऊष्मा होगा उसमें भी, ऊष्मा होगा बाइंडिंग में भी ऊष्मा होगा, तो सबसे कम ऊष्मा किस में होगा, ट्रांसफार्मर आयल में या ट्रांसफार्मर के कोर में या ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में, तो सबसे जो कम ऊष्मा होगा वो ट्रांसफार्मर के आयल में होगा, ठीक है, और सबसे अधिक ऊष्मा जो होगा और ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में होगा, ठीक है, ये कुछ पॉइंट याद रखें। हम देखिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पहला है कि ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होता है, किस पे होता है, लोड पे, नो लोड पे, दोनों पर या किसी नन किसी पर नहीं। ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होता है हम लोग अभी देखे हैं कि नो लोड पे होता है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि नो लोड निर्भर करता है, नो लोड निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, करंट धारा पर, वोल्टेज पर, दोनों पर, तो नो लोड जो निर्भर करता है अभी हम लोग देखे हैं वोल्टेज पे निर्भर करता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है किस पे होता है, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस लोड पर, नो लोड पर, दोनों पर या नन, तो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है वो लोड पे होता है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस निर्भर किस पे करता है, वोल्टेज पे, धारा करंट पे, दोनों पर, नन, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस जो होता है वो करंट पे निर्भर करता है, धारा पे, इसका आंसर धारा पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा पैदा होता है, अभी हम लोग चर्चा किए हैं कोर के बारे में, वाइंडिंग के बारे में, ट्रांसफार्मर आयल के बारे में, सभी, तो ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा पैदा होता है, तो वाइंडिंग में सबसे अधिक ऊष्मा पैदा होगा, उसके बाद कोर में होगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर आयल में होता है। नेक्स्ट है, आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना होता है, 90%, 95%, 100%, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है 100%। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉस होता है, कौन कौन लॉस होता है,
आयरन लॉस, कॉपर लॉस दोनों या कोई नहीं, तो आइडल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।